गलियारों में तो हलचल तेज हो गई है। तीसरा दिन बीत जाने के बाद भी कलेक्ट्रेट परिसर में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तीसरे दिन भी कोई प्रत्याशी अपना नामांकन करने नहीं पहुंचा। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने वाले पीड़ित फरियादियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गेट पर तैनात पुलिस कर्मी फरियादियों को अधिकारियों से मिलने की इजाजत नहीं देते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पीड़ित लोगों को मायूस होकर अपने घरों के लिए वापस लौटना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक गलियारों में तो हलचल तेज हो गई है, मगर किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन न किए जाने से कलेक्ट्रेट परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है।